बच्चों से शौचालय की सफाई की शिकायत पर प्रधानाचार्य ने किया अभद्र व्यवहार, 3 बच्चों का नाम भी काटा। अयोध्या जनपद के महाराजगंज प्राथमिक विद्यालय में पत्रकार के साथ अभद्रता का मामला भी ठंडा नहीं पड़ा कि सोहावल शिक्षा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पिलखावा के प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य सुचि पांडे की दबंगई सामने आई। बताते चलें कि पिलखावा गांव के रहने वाले राम कुमार विश्वकर्मा के 3 बच्चे गांव के ही प्राथमिक विद्यालय में पढ़ते हैं, जहां शिक्षिकाओं के द्वारा बच्चों से शौचालयों की सफाई करवाई जाती है, जिसकी शिकायत करने विद्यालय पहुंचे राम कुमार विश्वकर्मा के साथ प्रधानाचार्य सुचि पांडे ने अभद्र व्यवहार किया, साथ ही साथ उनके 3 बच्चों का नाम भी विद्यालय से काट दिया। ये बताइए, जब आप वहाँ पे गए थे इस विद्यालय में, कैसे पता चला आपको कि इनसे सफाई कराई जाती है? ये इन लोगों ने पैसे दिए गए 12 जुलाई को, तो मैं शाम को इन लोगों से पूछा कि हमने जब पैसे नहीं दिए तो पैसे थोड़े कहाँ से पाए, तो इन्होंने बताया कि ये दोनों ताल में टोल किए, दोनों बड़े बच्चे, लेकिन छोटे बच्चे ने हमारे आके बताया कि क्या कहते हैं कि मैडम ने आज मुझे साफ करवाया है और उसने पैसे दिए हैं। तो ये 2-3 बार मैं सुन चुका था, लेकिन मैं अवॉइड कर दे रहा था कि चलिए विद्यालय है तो बच्चे झाड़ू लगाएंगे, अपना साफ सफाई कर देते, कोई गलत नहीं है। लेकिन मैं जब पैसे इन्होंने दिए तो हम गए विद्यालय में, तो हम पूछे, हम कहे मैडम मेरे बच्चे को कल आपने 500 रुपये क्यों दिए? तो कहे कि मैं वैसे ही बच्चों को टॉफी वगैरह खाने के लिए दे देती हूँ। तो क्या कहते हैं, फिर हमने कहा कि नहीं, हम इसके लिए नहीं आए, ये जानने के लिए मेरे बच्चे जो बताए हैं कि मुझसे लेटरिन साफ करवाई गई है, इसे मुझे 5-5 रुपये दिए हैं। तो मैडम ने कहा कि क्या तुम्हारे ही बच्चे बच्चे हैं और किसी के बच्चे बच्चे नहीं हैं क्या? तो हम कहे मैं अपने बच्चे का जिम्मेदार हूँ, मुझे जानकारी मिली तो मैं आया हूँ यहाँ पे, तो ये काम क्यों कराया जाता, मैं पढ़ने के लिए भेजता हूँ या लेटरिन साफ करने के लिए नहीं? तो कहे कि नहीं, ये जब देश का प्रधानमंत्री क्या कहते हैं रोड पर झाड़ू लगा सकता है और बेसिक शिक्षा मतलब बेसिक शिक्षा मंत्री का भी आदेश है कि क्या कहते हैं विद्यालय में अगर गंदगी है तो स्टाफ प्रधानाचार्य और रसोई मिल करके साफ सफाई रखें। तो हमने कहा कि मैडम देखिए, झाड़ू लगाना या बच्चे लेटरिन में गए हैं उसमें पानी डालना, ये एक कॉमन बात हो गई, इसके लिए मैं नहीं शिकायत करने आना, लेकिन जब बच्चे उस फ्लश साफ कराएगा तो हम आए हैं, ऐसा क्यों हुआ? ये आपकी जिम्मेदारी होती है कि यहाँ पर सफाई कर्मी की नियुक्त करवाई जाए, ग्राम प्रधान की जिम्मेदारी होती है। तो कहे कि मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होती, आप लोग जाइए प्रधान से शिकायत करें। तो हम कहे हम क्यों जाएं, अगर विद्यालय के अंदर किसी भी प्रकार की अगर घटना हो जाती है, कोई बच्चा मर जाता है, तो कौन जिम्मेदार होगा इसका, आप होंगे कि ग्राम प्रधान या गाँव वाले होंगे? कहे ये सब न करो, बस इसी पर झल्ला करके और रजिस्टर स्टाफ द्वारा मंगवा के 3 बच्चों को मेरे नाम काट के लिख दिया कि नाम काटा गया। ये किस विद्यालय का मामला है? प्राथमिक विद्यालय पिलखावा। किस क्लास में बच्चे थे आपके? हमारे 2 बच्चे कक्षा 5 में हैं, 1 बच्चा कक्षा 3 में है। प्रधानाध्यापक का क्या नाम है? रामजी वर्मा। आपका क्या नाम है? राम कुमार विश्वकर्मा।